पहले चरण के मतदान के बाद सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने सभी 20 विधानसभाओं के मतदाताओं का जताया है आभार। साथ ही सीएम ने कहा कि 2018 की जो कसर रह गई थी वो भी इस बार हो गई है पूरी। सीएम ने कहा, षड्यंत्र धरे रह गए, फिर जीत गया भरोसा। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर राजिम विधानसभा के 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर रिटर्निंग ऑफिसर ने 48 घंटे के भीतर मांगा है जवाब। जेसीसीजे के अभ्यर्थी भुवनेश्वर निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संतोष साहू सहित अन्य 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को जवाब नहीं देने पर FIR दर्ज करने के साथ प्रचार वाहन की अनुमति वापस लेने की दी गई है चेतावनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। योगेश्वर के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और घोषित प्रत्याशी के खिलाफ काम करने को लेकर पार्टी ने की है कार्रवाई। बता दें कि योगेश्वर राज सिंह 2 बार कवर्धा विधानसभा से विधायक और रह चुके हैं जिलाध्यक्ष। दल्ली राजरा स्थित देव माइनिंग कंपनी के ऑफिस में IT की पड़ी रेड। सुबह से ही चल रही IT की कार्रवाई से जिले के कारोबारियों में मचा हुआ है हड़कंप। बता दें कि देव माइनिंग के मालिक सुमित लोढ़ा, सौरभ लोढ़ा का माइनिंग ट्रांसपोर्टर से जुड़ा है लंबा कारोबार। इनके रायपुर स्थित घर में भी IT की टीम ने दी है दबिश। कांकेर बांधे के रेंगा घाटी में हुए IED ब्लास्ट की चपेट में आने से बालेश्वर ओडिशा निवासी घायल जवान प्रकाश चंद्र सिवोल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बता दें कि 2 दिन पहले मरबेड़ा कैंप से मतदान केंद्र जाते वक्त IED की चपेट में आने से BSF के एक जवान समेत पोलिंग पार्टी के 2 कर्मचारी हुए थे घायल। कोंडागांव NH30 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 शिक्षक की हुई मौत। बही गांव के पास ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में विधानसभा चुनाव कराकर मत पेटियां जमा करने के बाद कोंडागांव से लौट रहे 3 कर्मचारियों की हुई मौत। सीएम भूपेश बघेल ने केसकाल हादसे पर जताया दुख। सुकमा जिले में नक्सलियों के IED ब्लास्ट किए जाने पर एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बता दें कि डब्बा मरका इलाके से छोटे केड़वाल जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था IED। कोरबाकट घोरा वन मंडल में केदई वन परिक्षेत्र के झीनपुरी गांव में बेबी एलिफेंट की मौत होने से वन विभाग में मचा हड़कंप। फिलहाल वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की कर रहे हैं जांच।